गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आपका टॉप से भी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ये एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। सो अभी मैं हूँ बोईसर रेलवे स्टेशन पे, अभी मैं वैसे ओवर ब्रिज पे खड़ा हूँ। तो आज की जो मेरी जर्नी है वो बोईसर से चर्चगेट होने वाली है। वैसे तो मैं 7:33 पे एक ट्रेन पकड़ने वाला था, बट मिस हो गई। वो ट्रेन डायरेक्ट चर्चगेट के लिए थी, बट अभी 8:58 पे एक ट्रेन है। सो ये बोरीवली जाएगी, फिर मैं बोरीवली से चेंज करके जाऊंगा। तो भाई टाइम भी ऑलमोस्ट 8:30 हो गया है, और ये अपडेट दे देता हूँ भाई। देखो, दो न्यू ट्रैक बन रहा है यहाँ पे। भाई अब चलता हूँ प्लेटफॉर्म पे, और चर्च गेट की तरफ जो भी लोकल जाती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आती है। सो चलता हूँ प्लेटफॉर्म पे। ये जो ट्रेन है ये डोंबिवली जाती है, वेस्टर्न लाइन से सीधा सेंट्रल लाइन में अगर जाना है तो यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी। 8:10 पे मिलती है ट्रेन। भाई पहुंच गया था मुंबई सेंट्रल, एंड दादर में कुछ काम आ गया। सो अभी पहले दादर चलता हूँ, फिर उसके बाद मैं सारी डिटेल बताता हूँ। भाई बोईसर से निकला था 8:58 में, और मुंबई सेंट्रल पहुँचा 11:30 में। सो चर्च गेट पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 12 बजे जाना, बट अभी मुझे दादर में थोड़ा काम आ गया। सो अभी मैं दादर जा रहा हूँ, एंड काम निपटा के फिर से आऊँगा चर्च गेट। भाई दादर उतर के सीधा आ गया लोअर परेल, और अभी मैं मोनो रेल से जाने वाला हूँ। सो अभी मुझे जाना है एंटोफिल। तो अभी मैं हूँ मोनो रेल के स्टेशन पे। सो अभी मोनो रेल आएगा तो फिर चलते हैं। और यहाँ पे भाई थोड़ा भी रश नहीं, देख सकते कितना खाली खाली। मेट्रो पे तो भाई बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, और यहाँ पे भाई एक भी बंदा नहीं है। फाइनली गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मोनो रेल आ गई, लेकिन यार झटका बहुत ज़्यादा दे रही है, तो चलेगा कैसे भी। मस्त नज़ारा लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है, दिखाता हूँ नज़ारा। देखो भाई, ये नज़ारा है मोनो रेल से, यहाँ पे अपन बैठे हैं, सीट भी बहुत अच्छा भाई, साफ नज़ारा। केम हॉस्पिटल राइट। भाई घूम घुमा के फिर से अपन पहुंच गए दादर। भाई ये दादर थे हम लोग, सो भी यहाँ से निकल चुके हैं। तो फाइनली भाई पहुंच गए एंटोफिल। ये था भाई मोनो रेल का सफ़र, जो कि काफ़ी मज़ा आया, व्यू तो अच्छा अच्छा देखने मिला। तो भाई साहब काम नहीं निपटा यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और अपन यहीं पर रह गए। सो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूँ, इंशाल्लाह कल जाऊँगा चर्च गेट। सो यही सब सीन था इस ब्लॉग का। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर यार नहीं हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।